Salesh Kumar. Yes, sir. Boli, sir. Some of my clients have suffering from diabetes, where he got not cured after using the Kangen water after 6 months also. Okay. अभी उनका डायबिटीज लेवल कैसा है? 235 के आसपास है सर। और पहले कितना था? पहले 350 था सर। दिस इज देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये रिजल्ट है। मैं बस सॉरी टू से एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर सुदेश मलिक को, आप लोगों को भी, कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपके पास है, आप उसको मैं कैश वर्ड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एज ए सोशल सर्विस आप क्यों नहीं स्प्रेड करते among people? It is such a wonderful, and in fact from my side I will raise the same thing at my diabetic panel platform also, and aap kuch le sakte hain ki sugar level aapka 300 se 235 aaya hai, and in fact main aapko ek baat aur bata dun, if he continues with the same thing and as well as is taking medicine whatever, coming time mein unki medicines ka jo power hai wo bhi kam hona shuru ho jayega. Okay, thank you. थैंक यू। त्रिलोक जी ने सही बोला कि हम लोग का हमारा फर्ज बनता है लोगों को इसके बारे में प्रचार करना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भगवान ने हमारे हाथ पे कुछ अच्छी चीज दी है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दुनिया भर में उसका प्रचार करें। इसे ये जो इंफॉर्मेशन हमारे जो अच्छी चीज हमारे हाथ में ये उसको लोगों में पहुंचाए, तो यही हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी आपने पूछा, एंड जैसे डॉक्टर ने बताया कि भाई यस का पावर कम हुआ है, एंड रिमेंबर वन थिंग, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आप ये आपका कुछ नहीं इसलिए था बिकॉज कितनों के 6 महीने तो दवाइयां बंद हो गई है, तो सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। किसी में जल्दी रिएक्ट होता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिजल्ट सभी को मिलते हैं। मैं खुद डायबिटिक हूँ, पिछले 4-4.5 साल से पानी पी रहा हूँ। अभी क्या है कि मैंने HbA1c करवाया था पिछले महीने, तो लगभग 10.1 आया था। उसके पहले 1-2 साल पहले 11.25 भी हो गया था। तो अभी उसको और नीचे लाने के लिए मैं जेमर 1 लेता हूँ टेबलेट, डॉक्टर की सुबह शाम खाने के पहले। क्या कुछ और मुझे चेंज करना चाहिए डॉक्टर? नहीं, देखिए फ्रैंकली आपका HbA1c बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट 9.5 बहुत ज्यादा है। और इतना HbA1c का मतलब कंटिन्यूस आपकी किडनी, आपका लीवर अंडर स्ट्रेस में है, तो और जैमर 1 बिल्कुल काम नहीं करेगी इस टाइम पे। जब इसमें आप जैमर 1 एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं? 2 बार, सुबह शाम। तो एक्चुअली जैमर 1 की मैं कहना चाहूंगा कि बेसिकली जो मैं भी मेडिसिन का नाम ले रहा था SGLT2 इनहिबिटर्स, तो बेसिकली अगर आप जैमर 1 जो आप ले रहे हैं, एक तो आप उसको सुबह शाम लेते रहिए, प्लस HGLT इनहिबिटर जिसके अंदर मैं बहुत सारे मेडिसिन हैं, जिसके मैं इतने सारे नाम है कि I will not prefer to take name, it becomes commercial. इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा देंगे तो वो मेडिसिन अगर आप इनफैक्ट अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे तो वो मेडिसिन आपको ऐड करनी पड़ेगी। HGLT इनहिबिटर जो मैंने कहा था कि यूरिन के रास्ते वो आपके शुगर को करते हैं, और उस मेडिसिन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और आपको समझा दूं, उससे आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रहेगा, हार्ट आपका मजबूत रहेगा, हार्ट की पंपिंग आपकी मजबूत रहेगी। जो मैंने अभी मेडिसिन का नाम बताया, तो आप प्लीज उसको ऐड कीजिए, और प्लीज अपने डॉक्टर साहब से आप ये शेयर कीजिए जी। थैंक यू। थैंक यू गुप्ता जी। और गुप्ता जी थोड़ा मीठा कम खाइए, बिकॉज मैं जानता हूँ आप मीठा बहुत बढ़िया खाते हैं। यू आर सेइंग आई एग्री, बट आई एक्सप्लेन यू वन थिंग, FDA has not approved as such the commercial, but it has approved its all working policies, right? It is the only ionizer which it has approved that it's working its system on the health. So whenever FDA approved this part, so it is accepted, right, as an ionizer. मैंने देखा नहीं, आपके पास कुछ है तो आप भेजो आज। Yeah, definitely I'll send it because before coming here, this is what after studying only as I explained you. I'll send it. Thank you, Harsh. डॉक्टर त्रिलोक जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो 1 साल का अनुभव रहा शुगर के ऊपर, आई एम अ डायबिटिक, और मेरी नॉर्मली थी पहले भी अभी भी, लेकिन जो मेरी मेडिसिन का इंटेक था वो काफी कम हो गया है, 40% कम हो गया था। ओके, दैट इज अ ग्रेट गेन फॉर अबाउट 7 months, बट दिस मंथ आई फाउंड इट अगेन राइजिंग, मे बी बिकॉज आई हैव टेकन मेनी मैंगोज और समथिंग इन दिस विंटर, इन दिस समर सीजन, इज दैट द रीजन? बिकॉज वाटर इंटेक आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट द सेम व्हाट आई वाज टेकिंग अर्लियर। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आपने क्वेश्चन भी किया है, जवाब भी दिया है, एंड it's really approved what I told you ki dekhi, just by drinking Kangen does not mean ki you have to be indisciplined for others. So my request to you and everybody Right. Maintain your lifestyle. Secondly, yes. You said that 11.5 also can be taken as a drink for in some quantity by diabetic patients. Yeah, up to 11. How much quantity every day should be taken, sir? No, actually it depends on the person to person. Right? Okay, sir. Yeah, and though few people says ki it stress on kidney, but after study it has been found it has no stress on the kidney. This is what I tell you. Like, okay, sir. But around 100 milliliter a day. I mean, yeah. Because the question is important. Because why I am worrying is the 11.5 comes from the, if I am having the super machine, yeah, in that the 11.5 comes from the lower exit pipe. Exactly. So it might be having the harmful minerals. Yeah, exactly. So, should it be taken in or not? Up to 11 and then about 100. 100 ml or so. Yeah, exactly. Yep. Right, sir. Thank you. That has been a wonderful sharing. Yep, thank you, Dr. Chetan. Nice to talk to you, doctor to doctor. Yeah. Ramdab ji, yes, आप करो आपको. सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से सर, उत्तराखंड से बोल रहे, बोलिए सर. या सर, अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था. काफी सारे लोगों को डायबिटीज में तो काफी इम्प्रूव है सर, हम लोग जिनको भी पानी देते हैं, बट एक छोटा सा क्वेश्चन था कि टाइप 1 डायबिटीज को भी ये कन्वर्ट करके टाइप 2 में कन्वर्ट कर सकता है या करता है? Nice, boss. Your question is very intelligent. It seems you are very aware of this diabetes. सर हिंदी में बोलेंगे तो बेटर रहेगा. अच्छा, सॉरी. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. बेसिकली मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स सबको कि हमारी शुगर दो किस्म की होती है, टाइप 1, टाइप 2. एक्चुअली टाइप 2 तो वो जो 95% शुगर हमारी सोसाइटी में सबको है, और टाइप 1 वो शुगर होता है जो जेनेटिकली होती है, जब हमारे क्रोमोसोम्स में, हमारे जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं. जैसे जो यंगस्टर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 14-15 साल के, 13-14 साल के, उनको होती है. तो बेसिकली सॉरी फॉर दैट कि ये चीज टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टाइप 1 जो डायबिटीज है दैट इज इनबॉर्न, जिसे कहते हैं, जो पैदाइशी कंजेनिटल जो होता है, तो उसमें इट कैन नॉट कन्वर्ट टाइप 1 को टाइप 2 में नहीं कर सकता. राइट. बट डेफिनेटली इतना जरूर है, अगर हम कैनिन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो जो टाइप 1 की डायबिटीज है उसको काफी हद तक, जैसे मैंने बताया, उसके इफेक्ट को वो कंट्रोल में कर सकता है. ओके, थैंक यू सर. नमस्कार जी, बोलिए. मैं डॉक्टर सरव सिंह चौहान. हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया, आपसे मिला था मैं. हाँ, थैंक यू सर. बोलिए. मैं कह रहा था कि जैसे शुगर में इंसुलिन लग रही है तो पेशेंट को कौन सा पीएच का पानी देना चाहिए? सॉरी, शुगर है पेशेंट को. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक पेशेंट को शुगर है और इंसुलिन लगा रहे हैं तो कौन सा पानी पीना चाहिए. नॉर्मली हमें बोलते हैं सब 9.5 ही पानी पीजिए. अगर डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाता है तभी आप 11.5 फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, 2-4-5 दिन के लिए पीजिए एज ए मेडिसिन एंड कम बैक टू 9.5 प्लस. हाँ, मतलब 9.5 आपका मेजर एंड मेक श्योर कि वो कम. हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब. एंड मेक श्योर कि वो कम से 3 लीटर पानी दिन का पिए, और हो सके तो जो हाइड्रोजन रिच वाटर है बबल वाला वो दिन में 2-3 बार कम से कम वो तो पिए कम से कम. एम आई राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, परफेक्ट. थैंक यू सर. पर आपके साथ बातें करके थोड़ा सीख गया हूं. बिल्कुल डॉक्टर बन गए. गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया. एक्चुअली एक क्वेश्चन था सर. एक तो नवंबर से हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर को, और सेरेब्रल पल्सी मेरे बेटे का है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला. दूसरा मेरा L4 L5 था खराब, तो उसमें मुझे टर्मेंटस U-turn मतलब मिराकल्स रिजल्ट मिले. क्या क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे मेरी वाइफ को शुगर नहीं था, मगर अभी 5-6 महीने से वो पी रही है. अभी उसका शुगर चेक करवाया तो काफी हाई आया, 360 आया. तो अब अच्छा, दूसरा एक चीज और था कि मैंने किसी को पानी दिया, उन भाई साहब को भी कोई शुगर नहीं था, मगर पानी पीने के 10-15 दिन बाद उन्होंने बोला मुझे शुगर हायर हो गया. Right. ये दो का मुझे आंसर समझ में नहीं है, मतलब बिल्कुल मैं दूंगा आंसर आपको. जी सर. ओके, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया कि जो शुगर 360 आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, पानी या दवाई, जो किसी के शुगर 360 पे ला दे. मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि वो पेशेंट ऑलरेडी एक प्रोसेस में था, डायबिटिक की प्रोसेस में था फॉर मेनी रीजंस, और ये एक कोइंसिडेंस था कि पानी पीते थे और उसके हमने चेक कराया तो वो 360 निकला, और ये भी कॉन्सिडेंस है कि आपके दूसरे पेशेंट में निकला है. अगर इस कॉन्सिडेंस को आपको क्लियर करना है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आप खुद. अगर ऐसी बात है तो आपके अंदर शुगर तो 400-500 पहुंच जाना चाहिए था, और या जो और दूसरे लोग भी पानी पी रहे हैं उनके अंदर वो शुगर लेवल पहुंच जाना चाहिए था. तो इसका ये क्लियर है कि इट हैज नथिंग टू डू विद द रेज शुगर, बल्कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पानी पी रहे तो शायद 360 निकला और पानी नहीं पी रहे होते तो शायद ये 460 निकलता। ये है, तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा उस पेशेंट्स को और आपको भी कि वो वहां के अपने कंसर्न डॉक्टर से डिस्कस करें रिगार्डिंग द मेडिसिन और कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर। सर गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज सर मैं ये पूछ रहा था, अभी नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि 11.5 पीएच का पानी एक्चुअली अवॉइड करते हैं लेने के लिए कि फ्यूचर के अंदर में जैसे कुछ बॉडी पे उसके कुछ डैमेजेस ना हो, ये हो। Exactly. 9.5 इज द बेस्ट वाटर व्हिच वी आर ड्रिंकिंग एंड वी आर रिकमेंडिंग टू पीपल एंड वी आर नॉट एडवाइजिंग 11.5 फॉर ड्रिंकिंग। Exactly. So like I heard in your conversation like 11.5 is suitable for 100 ml if you are drinking. So how like how can you define it actually whether it is comfortable for drinking 11.5 or no? First of all, actually what we told is for a minor period, for a small period we have to take, in a small amount we have to take. We cannot take for long terms, right? So best is the 9.0. Only what you are telling is the perfectly, that is the best, where it is alkalized the best way and to boost and hydrate our organs, especially the kidney. So that we have to take for a very short period and that too in a very small amount, because you are very much right. In the large amount or longer period, it may harmful. It's very clear. Yes, 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 yes. That's what I am saying. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thanks a lot. Yes, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि ये जो कैंगन वाटर है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसके लिए सही है, लाइक एलडीएल हाई है। Yes. It's somewhere around 162. 162. So 162 is high cholesterol and ये reversible है। हाँ बिल्कुल है, एलडीएल तो रिवर्सिबल होता है। आप देखिए पेशेंट को वाटर जो है बिल्कुल एडवाइजेबल है, देना चाहिए और साथ में रिवर्सिबल भी है। एंड थर्ड थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, आप प्लीज़ अपने जिनको भी है उनको बोलिएगा कि प्लीज़ एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है जो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और साथ में उन्होंने जो भी स्टैटिन्स वगैरह एडवाइस दिया होगा डॉक्टर्स ने उनको, वो उनको कम लेना है। और वाटर से इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो काफ़ी वो हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब ये रिवर्स होगा तो डोंट टेक इट की परमानेंट, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम उस लाइफ स्टाइल को हमने मेंटेन रखा हुआ डिसिप्लिन ढंग से तो इट विल मेंटेन। अगर ये ऐसा नहीं कि रिवर्स हो गया नॉर्मल पे आगे अगेन आप दोबारा वो हाई कैलोरीज की चीज़ें खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल को फिर वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एंडल फिर दोबारा हाई हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर कि ये रिवर्सिबल है, बट यू हैव टू मेंटेन, आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। और सर ये जो आप वाटर बताया तो इसका पीएच कितने के अराउंड रखना होगा, लाइक 11.5 और 9 अराउंड 9 के अराउंड 9 ओके 9.5 पीएच बढ़िया रहेगा। 9.5 इज वेरी गुड। बड़े में सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे कजिन ब्रदर हैं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है कई दिन, ऑलमोस्ट 2-3 सालों से। Okay. और मैंने उनको अभी ये कैंगन वाटर शुरू किया है, ऑलमोस्ट 20 दिन हुए हैं। आज मैंने उनको 9.5 दिया। तो सर इसमें कैंगन वाटर अल्सरेटिव कोलाइटिस में इफेक्ट करेगा सर? मैंने उनको विथ फेथ दिया है सर। नहीं बिल्कुल आपने अच्छा किया है और बिल्कुल ये हेल्प करेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जैसा आपको पता ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। लेकिन मैं सेम बात यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि इट विल कंट्रोल द डिजीज एज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। नेवर रिप्लेस योर मेन ट्रीटमेंट विद जस्ट कैनन वाटर। ओके, राइट। या इट हैज गॉट अ सपोर्टिंग मैनेजमेंट, राइट, सपोर्टिंग रोल। कभी ये मिस्टेक मत कीजिए कि मतलब हम उसको रिप्लेस कर दें। मेडिसिन तो कंटिन्यूअस चालू है सर। हाँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ और मुझे बीपी के वजह से किडनी की शिकायतें हुई थी और आज डायलिसिस होता है। और इसके पहले मैं काफी बहुत सारी चीजें हमारे तकलीफें होती थी, लेकिन अब जब से ये पानी का यूज करा उस समय से मैं मतलब सुबह में 5-7 किलोमीटर घूम कर भी आता हूँ, बाकी सभी सारे काम करता हूँ और पहले से बहुत अच्छा। और जो मेरी दवाइयाँ बीपी की चलती थी 4-4 टैबलेट सुबह 2 सुबह 2 शाम, आप केवल रात में 1 टैबलेट ले रहे हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ सब कम हो गई। थैंक यू सर। तो नहीं सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि आने वाले भविष्य में क्या ये डायलिसिस मेरी रुक सकती है? यस, आप मुझे बताएंगे सीरम क्रिएटिनिन कितना चल रहा है? सर सीरम क्रिएटिनाइन कभी मतलब 5-6 भी आ जाता है, कभी 8-9 हो जाता है ऐसे तो 25 तक पहुंच गया था किसी समय जी। आप बहुत लकी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 पे पहुंच के आज आप आराम से इधर बात कर रहे हैं और बाय फेयर यू आर लुकिंग हेल्दी वेल्दी परफेक्ट टच वुड। तो मैं ये कहना चाहूंगा वी शुड पे थैंक्स टू कैनगन एज वेल एज योर डॉक्टर साहब आल्सो जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट मैं अभी शुरू में कह रहा था, जो चीज डायबिटीज पे अप्लाई हो तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पे भी किडनी पेशेंट पे अप्लाई होती है कि ये इसका बहुत बड़ा रोल है वाटर का, राइट। आप कल्पना नहीं कर सकते अगर आप वाटर नहीं ले रहे होते और आप 25 क्रिएटिनिन और उसके बाद आज 5 पे 4 पे बैठे हैं तो मतलब ये कितना बड़ा मिराकल है। फर्स्ट सेकंड पार्ट आपने कहा डायलिसिस की बात, देखिए डायलिसिस को अभी ऐसा कहना इसलिए मुश्किल है कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, राइट। उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ड्यूरेशन दूर हो सकता है, क्रिएटिनिन जो बढ़ने की जो उसकी स्पीड होती है वो हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं उसके, तो बंद करना आई थिंक ये भी थोड़ी दूर की बात है, पर ये भी हो जाता है बहुत बड़ी बात है, ये भगवान की बहुत कृपा है। अगर ये भी सर जी मुझे कोई भी बंदा देखता है और मेरे से बात करता तो यकीन ही नहीं करता कि मुझे मेरा डायलिसिस होता है, बोला ना मैं आपको देख के बोला तभी। तो यार जो डॉक्टर संदीप सक्सेना जी हैं जो जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चलता है अपोलो इंदौर में, तो वो भी बोलते हैं कि राज साहब करते क्या हो आपको, मतलब मैं आपके सामने बीमार लगता हूँ। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं वाटर पीता हूं। हाँ, सब बताया उनको। तो हालांकि कैनगन के बारे में जान रहे हैं पहले से क्योंकि कई डॉक्टर वो अपोलो में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो सर मतलब बाकी सब मेरे रूटीन के हिसाब से चलता है और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर थैंक यू के पात्र हैं और मेरे मतलब इस मामले में आराध्य हैं तो वो दीपक सर हैं। मतलब उनके सौजन्य से ये सब चीजें मुझे प्राप्त हुआ है और वाकई में मैं बहुत लकी हूँ। और इसके अलावा सर मेरे परिवार में मेरी मिसेज को ज्वाइंट पेन की वजह से वो बैठ नहीं पाती थी, बाथरूम जाने में सीढ़ियों पे चढ़ने में काफी तकलीफें होती थी। अब उनकी दवाइयाँ तो पता नहीं कब के 8 महीने हो गए बंद हो गए उनके टोटली, और मेरे घर में कोई दवाई नहीं आती। अब नॉर्मली किसी को कुछ बुखार उखार भी हो जाता है तो 2.5 pH का थोड़ा सा पिला देते हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। That's great, that's great. हाँ, और कोई दांत उत का प्रॉब्लम आया था तो उनको कुल्ला करवा दिया उससे, तो वो भी मतलब कोई मेडिसिन मेरे और मेरे लगभग 7-8 प्रकार की जो टेबलेटें चलती थी अब केवल एक इकोस्प्रिन और एक बीपी का वो डर से लेते हैं ना, तो वो भी मेरे ख्याल से बंद। बीपी मेरा नॉर्मल रहता है अब, और काश अगर यही 2 साल पहले मिला होता तो आज शायद मैं डायलिसिस पे नहीं होता। देर है सर, दुरुस्त है। मुझे सर जानना था कि लीवर सिस्ट में कितना काम करता है पानी? यस, बहुत अच्छा काम करता है लीवर। आपने अच्छा क्वेश्चन रखा है और बहुत अच्छा काम करता है। इसमें SGOT, SGPT जो लीवर होता है उसमें काफी इसका अच्छा इफेक्ट है। बट मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इफ somebody drinks alcohol और somebody अगर किसी कोई ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो मैं ये भी एडवाइस देना चाहूंगा एज ए डॉक्टर, वो आप उसको मिनिमाइज साथ में कीजिएगा, तब इसका इफेक्ट और भी ओके। तो उस समय 9.5 pH का पानी पिलाना शुरू करवा सकता हूँ, राइट ना? बिल्कुल, यस डेफिनेटली। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जिसको लिवर सिरोसिस था उनका डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है, राइट। एंड ये लिवर एंड आई नो द डॉक्टर साहब ने बोला कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए। आई नो लॉट ऑफ माय पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग बिकॉज़ कहीं ना कहीं पीना शुरू करो। और कुछ बात है कुछ शर्मिला जी? जी सर, एक बार सवाल है। मेरे फादर जो है जिनकी एज है 61 ईयर और उनका वेट रहता है नियर अबाउट 87 kg और उनका शुगर जो है 230 से लेकर 330 तक ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। तो उनको मैंने बाहर से एक बारी पानी पिलाना शुरू किया है तो उनकी जो दवाइयाँ चल रही है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो पानी ना एकदम चिल्ड पानी पीते हैं, एकदम चिल्ड। तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि इनको कैसे बेनिफिट दिलवा सकते हैं। देखिए इसमें तो आप आई थिंक आपने 230-330 रहता है तो उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने एकदम चिल्ड वाटर वी डोंट एडवाइज। पहली बात तो हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे इतना चिल्ड वाटर जितना आप कह रहे हैं। एंड सेकंड पार्ट जैसा 330 बहुत हाई लेवल है शुगर का, तो इधर मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स है आप उसको रिव्यू कीजिए। वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे, बदपरेजी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मीठा या एक्सपायर कुछ ना कुछ, या उनकी एक्टिविटी जैसे आपने वेट 83 बताया है, अच्छा खासा मुझे पसंद दिख रहा है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत एक्टिव होंगे। तो आपने उनकी एक्टिविटी बढ़ाई है, खाने पीने का परहेज बढ़ाई है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वो फैक्टर बड़ी हेल्प करते हैं शुगर लेवल को डाउन करने के। सर यूरिक एसिड के बारे में सर से पूछना है कि यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, किसी अमाइंड का, वो पीएच का पानी इस पे इम्पैक्ट करेगा सर? बिल्कुल। देखिए यूरिक एसिड में शायद आपको बताया हुआ जिसका भी बड़ा है कि उसको दालें नहीं खानी है, उसको प्रोटीन की चीजें नहीं खानी, सोयाबीन नहीं लेना है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, पनीर वगैरह नहीं लेना है, राइट। और उसमें जो है यूरिक एसिड में दोनों पैरों में उनके दर्द रहता होगा, राइट, तो वो उनको करना है। एंड प्लस इन दिस सेम कंडीशन इफ यू यूज दिस वाटर, तो अगेन माय रिपीटेशन ऑफ द वर्ड कि इट विल बहुत ज्यादा इसमें मदद करेगा और प्लस उनके जो सिम्टम्स उसमें तो मदद करेगा। इनफैक्ट जो उनका जो यूरिक एसिड लेवल जब वो चेक कराएंगे वाटर पीने के करीब करीब 6 वीक्स के बाद आप उसमें चेंजेस देखेंगे। ओके सर। और पिछले 2 महीने से कंगन वाटर यूजर हूँ और फर्स्ट जब मेरा डायग्नोज हुआ तो मेरा HbA1c 10.8 था और ब्लड ग्लूकोज लेवल 560 था, सडन ऑनसेट हुआ था। और उसके बाद से मैं मेटफॉर्मिन और डापाग्लिफ्लोजिन पे हूँ। तो सर अभी तो परमानेंट ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो बेसिक फायदा कंगन वाटर से जो हुआ है वो ये है कि सर पैरों में जो मसल्स क्रैम्प होते थे वो बिल्कुल ही कम हो गए, ना के बराबर हैं। और मैं 1000 mg मेटफॉर्मिन 2 बार खाता था, वो अभी 500 once a day है। और डापाग्लिफ्लोजिन 10 खाता था, अभी 5 पे है। तो थैंक्स टू कंगन वाटर। वही मेडिसिन है जो मैंने लिखा है और आप वही मेडिसिन खा रहे हैं जो मैंने अभी साइड में लिखा, डापाग्लिफ्लोजिन SGOT inhibitor you are taking same good continue। बढ़िया है सर, ये कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू कैन। थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू।